Hey, what's up guys? Welcome back to another video guys. इसमें आपको बताने वाला हूँ कैसा आप क्लोन कर सकते हो कोई भी कैरेक्टर या कुछ भी आप पार्टिकल्स अगर उठा रहे हो कोई माउंटेन से या जैसे स्कोप हो गया उसको आप क्लोन कैसे कर सकते हो, उसको आप डुप्लीकेट कैसे कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इंस्टाग्राम पर हम लोग 100 फॉलोअर्स के बहुत करीब है, आप मेक श्योर वहाँ पर मुझे फॉलो करो और मैं वहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स भी डालते रहता हूँ और रिसर्च भी करते रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। तो लोग आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं प्रीमियर प्रो में और मैंने यहाँ पे वीडियो इंपोर्ट कर लिया है, जो डेमो वीडियो हमारा, तो इसको मैं टाइमलाइन पे ड्रैग करके ले आऊँगा। तो आपको इसमें क्या करना है, 3 मार्क्स लगाने हैं। एक्चुअली यहाँ मैंने पहले से मार्क्स लगा के रखा था इसलिए आ रहा है अभी। तो पहला मार्क जो आपको लगाना है जहाँ से आपको स्टार्ट करना है जो भी ट्रांजिशन है, उसके बाद जो सेकेंड मार्क है जहाँ पर आपको एक्चुअल पॉज कर देना है उसको, और थर्ड मार्क जो है फिर से आपको इनिशियल फेज पर ले आना है। इसके लिए आप क्या करो, 3 मार्क लगा लो। मार्क लगाने के लिए आपको जहाँ पे भी मार्क लगाना है वहाँ पे कर्सर ले आओ और कीबोर्ड पे एम प्रेस करो तो मार्क लग जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एक इसको डुप्लीकेट करना है तो ऑल्ट प्रेस करो और इसको ड्रैग करके नेक्स्ट लेयर पे ले आओ। तो V2 में और नेक्स्ट लेयर V2 पे लाया तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो वीडियो में अगर प्ले करता हूँ तो एक पोजिशन तक जो है प्लेयर का जो मूवमेंट है उसके बाद जो है थोड़ा सा पॉज हो गया। तो यहाँ पे मैंने फ्रेम होल्ड लगाया था, तो अगर आप फ्रेम होल्ड लगाते हो तो कुछ सेकंड के लिए जो है स्क्रीनशॉट टाइप का बन जाएगा, वो पॉज हो जाएगा। तो वहाँ पे जो है एनिमेशन या ट्रांजिशन आप करते हो तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट आ सकता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जहाँ से ये जो पॉज हो चुका है वहाँ का मैं जो है इसका मास्क बना लूँगा। तो उससे क्या होगा, इसका मूवमेंट नहीं रहेगा और ये आप अच्छा से इफेक्ट भी ला सकते हो। तो उसके लिए क्या करो, आप अब सेकेंड लेयर को क्लिक करो और इस पर एक मास्क बना लो। तो फिलहाल मैं एक रफ मास्क बना रहा हूँ, आप अच्छे से मास्क बनाओ ताकि प्लेयर का जो है पूरा कैरेक्टर अच्छा दिखे। तो ओपेसिटी में आ जाएंगे और यहाँ पे मास्क टूल को पिक कर लेंगे और यहाँ पे आप मास्क बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मास्क कर लिया है, तो एक बहुत ही रफ सा मास्क बनाया मैंने। तो अभी आपको क्या करना है, दो एक्चुअली मास्क बनाना है। तो पहला जो वीडियो लेयर पर हम लोग कर लिए हैं जो V2 लेयर था, V3 पे भी एक और मास्क करना है आपको, ताकि एक जो है लेफ्ट जाए और एक राइट जाए। तो इसमें आपको टाइम बचाने के लिए क्या करना है, आपको इसको जस्ट डुप्लीकेट कर देना है। तो यहाँ पे एक और मास्क बन चुका है, तो आप देख सकते हो ओपेसिटी में अगर जाओगे इसके वीडियो के तो यहाँ पे मास्क सेम बन चुका है। तो अभी आप क्या करो, जो बॉटम लेयर जो बेस लेयर हमारा उसको आप हाइड कर देते हैं और इसका भी एक जो लेयर है उसको हाइड कर देते हैं। अभी जो पहला वाला जिसको हम लोग लेफ्ट ले जाएंगे इस पर भी पहले एनिमेशन कर लेते हैं। तो एनिमेशन के लिए आपको क्या करना है, की फ्रेम बनाना है पोजीशन का और मिड पे आपको एक बनाना है पोजीशन का पहले, और फिर से सबसे पहले ले जाओ वहाँ पे भी एक की फ्रेम बना दो और लास्ट में भी ले जाओ और एक की फ्रेम बना दो। फिर आप क्या करो, बीच वाले में आ जाओ और इसका की फ्रेम को आप यहाँ पे पहले लेफ्ट ले जाते हैं। तो लेफ्ट के लिए हम लोग एक्स एक्सिस को थोड़ा सा आप लेफ्ट ले आओ, राइट। फिर आपने किस पे काम किया, V2 पे काम किया, सेम चीज आप V3 पे कर लो। तो अब इसको हाइड कर लेते हैं और V3 को ऑन करते हैं। तो V3 में भी सेम करो, आप पोजिशन पे एक लगा लो 3, पहले पे भी लगा लो और लास्ट पे भी लगा लो। फिर आपको आ जाना है मिड में और इसको क्या करना है, इसको राइट ले जाना है। तो आपको इसको हल्का सा राइट ले आना है। अभी आउटपुट पता नहीं चल रहा है फिलहाल, एक मैं डेमो कर रहा हूँ, अभी जब सबको ऑन करेंगे तो पता चलेगा कैसा इफेक्ट आ रहा है। अभी क्या करो, सबको ऑन कर दो, तो अभी आपको दिखेगा कि तीनों यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी आप क्या करो, एक काम, अभी इफेक्ट लाते हैं तो एक को ऑफ कर देते हैं। अभी हम लोगों ने राइट को ऑन रखा है, आपको इफेक्ट्स पैनल पर जाना और सर्च करना S_Edge। तो यहाँ पे आपको दिखेगा S_Edge और यहाँ पे आपको S_Edge रेज चाहिए। तो रेज आपको, ये जो है सफायर प्लगइन का पार्ट है, आपको सफायर प्लगइन इंस्टॉल्ड होना चाहिए पहले से, नहीं तो नहीं दिखेगा। और प्लगइनेटर कोई भी क्वेरीज हो तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ड्रैग करके ले आऊँगा V3 लेयर पर, क्योंकि अभी V3 लेयर पर काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये आप देख सकते हो हल्का इफेक्ट आ रहा है पर बहुत ही बेकार आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एज रेज में जो आना है, आ जाना है और यहाँ पे आपको 100 में क्या करना है, एजेस। तो आप देख सकते हो एज का जो है वो हो गया। अभी फिलहाल बहुत ही रफ मास्क किया है इसलिए थोड़ा सा बेकार इफेक्ट लग रहा है,
नहीं तो सही आएगा। और 1/4 में देख रहा हूँ तो थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। अभी अगर आप फुल में देखोगे तो इस तरह का एक इफेक्ट आएगा, राइट। क्योंकि अभी बैकग्राउंड में भी मैंने थोड़ा सा कलरिंग करके रखा हूँ तो इसके वजह से थोड़ा सा डार्क आ रहा है, बट आप सीसी के पहले ही कर लो तो अच्छा आ जाएगा। फिर क्या करेंगे इसको, ये पार्ट हो चुका है हमारा। फिर सेम चीज़ V2 पे भी करेंगे, इसको भी हाइड कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेमोरी लगने वाला है इसमें भी। तो फिलहाल इसको भी सेम चीज़ करेंगे, एज रेज को लाएंगे और इसको ड्रैग करके इस पर ले आएंगे और इसको भी हम लोग कर देंगे सो रिजल्ट्स में एजेस। तो यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कैसा आने वाला था। तो आप देख सकते हो कि पहला जो है प्लेयर लेफ्ट से राइट दोनों एक एक कैरेक्टर गया और फिर से आके वो सब मर्ज हो गया। तो अभी फिलहाल जो आपको ब्लैक जो दिख रहा है यहाँ पे, वो इसके वजह से क्योंकि मैंने इस पहले से ये जो क्लिप जो है इम्पोर्ट किया है वो पहले से सीसी अप्लाइड है, इसके वजह से ज़्यादा डार्क बन रहा है। तो आप पहले क्या करो, ऑब्वियसली एक जो भी क्लिप पे आप काम कर रहे हो, स्लो मो की हो जो भी की हो, उसी का अप्लाई करो इसको और बाद में एक एडजस्टमेंट लेयर बना के ऊपर बना के उसके बाद उसमें कलर करेक्शन जो भी आप डालना चाहते हो वो डालो, जिसके वजह से इफेक्ट अच्छा आएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करो, चैनल पर नया सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नए वीडियो में।